अस्सलाम वालेकुम आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट आज मैं आपके साथ क्रिस्पी और क्रंची स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम उसको बाहर से कैसे क्रिस्पी बना सकते हैं अंदर से कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं सो so, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने ये रेसिपी मिस नहीं करनी ये बच्चों की स्पेशल है आप उनको लंच में दे सकते हैं टी टाइम स्नैक में आप बना सकते हैं एंड अगर कोई मेहमान भी अचानक आ जाए तो ये सिर्फ दस मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं बिसमान रहीम शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहाय रला है बिस्मिल रमान रहीम सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस के जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं तकरीबन वन इंच के वन फोर टी स्पून हम इसके गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे वन टी स्पून हम इसका नमक ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं वन टी हम इसके कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे दो पिंच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर जो है वो सूखा धनिया ऐड कर देंगे जिसको हमने क्रश कर लेना है अगर आप इसको रोस्ट कर लें तो बेहतरीन खुशबू आएगी वन टी स्पून हम इसके अंदर चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे इससे बहुत अच्छा एंड स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर आएगा वन टी स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे अगर लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे इसका मेन काम है कि आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है इतनी अच्छे से करनी है कि कोई भी जो बोनलेस का पीस है यानी कि चिकन का पीस है वो खाली ना रहे उस पर अच्छे से मेरीनेशन हो जाए अच्छा जी चाट मसाले से जो, जो इसका फ्लेवर है ना वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला आएगा जैसे कि हम बाहर जाते हैं और खाते हैं किसी ढाबे से खाते हैं एंड हम किसी स्टॉल से खाते हैं तो उनका भी जो फ़्लेवर होता है ना उसमें जो सीक्रेट मसाला होता है ना वो बेसिकली जो ज़्यादा होता है ना वो सूखे धनिया का होता है और चाट मसाले का होता है सो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ की यानी कि मीडियम साइज़ ले लें आप वहाँ यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च है वो बारीक बारीक कट करके ऐड कर दी है इसके अंदर अब आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है उससे ये होगा कि जो चिकन के अंदर तक है ना वो मसाला अच्छे से रच जाएगा और जब हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी हो जाएगी सो so, हम इसको हाफ एन आवर का रेस्ट देंगे उसके बाद मैं इसके अंदर वन टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ ये देखें बिल्कुल इस तरह से कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन तीन टेबल स्पून भर के जो है ना वो बेसन का ऐड कर देंगे बेसन आप पहले अच्छे से छान लीजिएगा किसी स्ट्रेनर में उसके बाद ऐड कीजिएगा सो so, अब हमने इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है स्टार्टिंग में हम इसके अंदर कोई भी जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे मैंने वन टीस्पून से दो टीस्पून तक जो है वो सरसे में सीड्स ऐड कर दिए हैं सफ़ेद तिल अच्छा जी अब आपने इसको हाथों से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर टोटल जो है वो तीन टेबल स्पून पानी ऐड कर देना है जिससे ये होगा कि ये ज़्यादा जो है वो रनी नहीं होंगे और ये अच्छे से जो है ना वो चिकन के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी बोनलेस पे बेसन की और कॉर्नफ्लोर की यहाँ पे हो सकता है कि आपका बेसन या कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और लगे अगर ज़्यादा भी लगा तो वन टेबल स्पून तकरीबन दोनों चीज़ें लगेंगी सो अगर थोड़ी सी मयमेंट ऊपर नीचे हो सकती है बेसन एंड कॉर्नफ्लोर की तो वो आप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें बस आपने मेक शोर sure करना है कि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए और ये ज़्यादा रनी ना हो इस तरह से थिक सा बैटर इसका बन के रेडी हो उसके बाद लास्ट में मैं इसके अंदर जो है वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी सो दैट इसका जो अंदर से चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट बन के रेडी होगा अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है और इसको हम सिर्फ पाँच मिनट का रेस्ट देंगे इससे हमारा बेसन जो है ना वो अच्छे से सेट हो से जाएगा साथ ही साथ आपने जो है वो ऑयल गर्म करने के लिए रख देना है और आप देखें बिल्कुल भी रनिंग बेसन नहीं है और आपने इसको पाँच मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से सेट हो से जाए उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्मा ऑयल में जो है ना वो ऐड करते जाना है स्टार्टिंग में फ्लेम हाई रखनी है उसके बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ये वाले पकोड़े ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लेते तकरीबन ये छः से आठ मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं दोनों साइड से क्योंकि ये चिकन बोनलेस है और बोनलेस जल्दी से पक जाती है सो so, स्टार्टिंग के तीन मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है आप उसके बाद आप इसको उलट पुलट करके पका लें और आपने जो इसकी फ्लेम है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी सो दैट इस तो ये होगा कि इस ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से जो है ये अनकुक रह जाएंगे सो स्टार्टिंग में ऑयल तो अच्छे से गर्म होना चाहिए लेकिन आपने इसको पकाना मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर है ताकि चिकन भी अंदर से अच्छे से पक जाए और ऊपर से जो कोटिंग है वो भी आपकी क्रिस्पी बन के रेडी हो तो so यहाँ पे देखिए मैंने सारे पकौड़ों की साइड अच्छे से चेंज कर ली है अब हम इसको दो से तीन मिनट तक और पकने देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे मैं सब आप यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है ये लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी हैं तो अब आपने क्या करना है इस स्टेज के ऊपर इसको जो है आपने किसी स्ट्रेनर में निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसमें से निकाल लें उसके बाद आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखें और उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व कर लें और आप देखें अलहमदिल्ला कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और ये कम्प्लीटली कुक हो के रेडी हो चुकी हैं और अगर कोई बिगनर है उसने कभी चिकन पकौड़ा नहीं बनाया है उसका फ़र्स्ट टाइम है तो वो क्या कर सकता है अपनी तसल्ली के लिए किसी नाइफ़ से या फोक से चेक कर सकता है कि बोटी अच्छे से पक गई है या नहीं पकी तो देखें अलहमदिल्ला हमारा चिकन पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है अब आप इसको सर्व करें इन्जॉय करें अपनी शाम की चाय के साथ सो फ्रेंड्स फ्रेंड्सम आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें इस पर कमेंट करें अल्लाह ताला हम सब के दस्तखाना बरकेत डालें हम सबको अपनी अमान में रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़